कुटिया देखा जगाए क्यों ना छगन माना मेरी कुटिया देखा जगाए। मदासी दौड़े दौड़े गए आवाज लगाई परमेश्वरी ये लो फिर आ गया उधार ले कोई उधार नहीं है चलो यहां से पिछला तो चुकाया नहीं फिर उधार लेने आया होगा जरूर। अरे नहीं नहीं सुनो तो सही मैं उधार लेने नहीं आया मेरी पत्नी के नाक की ये नथ है इसे गिरवी रख लो पिछला हिसाब चुकता कर लो जो रह जाएगा वो बाद में दे जाऊंगा और जब मेरे पास पैसा आएगा ये नथ छुड़ा लूंगा तुमसे लेकिन मुझे थोड़ा सा राशन दे दो मेरे घर संत पधारे। नथली गिरवी रखी राशन दिया रसीद बनाई कहने लगे अब इस पे हस्ताक्षर कर दो जब तुम आओगे ये पर्ची मुझे दे देना और मैं तुम्हारी नथ तुम्हें वापस कर दूंगा। अब हस्ताक्षर करने की बात आई तो हिम्मत दास जी कहने लगे देखो मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मुझे हस्ताक्षर करने नहीं आते। बोले कोई बात नहीं अंगूठा ही लगा दो। अंगूठा लगवा लिया और नथ रख के राशन लेके चल दिए मालती को राशन दिया बोले तू भंडारा तैयार कर। संत कहने लगे हिम्मत दास जी आप बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे थे जरा हमें भी सुना दो। वो बोले मुझे तो कुछ नहीं आता। बोले जो गा रहे थे वही सुना दो कैसे चल रहा है। तो कहने लगे चलना कैसे है सरकार की कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। कहने लगे कोई बात नहीं जो कीर्तन गुनगुना रहे थे वही गुनगुना दो ना। शाम मेरो चंदा जगरी शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी प्रसाद तैयार किया भोग लगा प्रसाद सब संतों ने ग्रहण किया। थोड़ी देर विश्राम करके संत चल दिए। अब हिम्मत दास जी ने संतों की जितनी जूठन प्रसादी जिसको शीत प्रसादी बोलते हैं उस शीत प्रसादी को कहा मालती जरा इसे संभाल के रख मैं जरा स्नान करके आता हूँ नदी में और उसके बाद आकर इकट्ठे मिलकर प्रसाद खाते हैं। मालती के लगी ठीक है आप जाओ तब तक मैं चौका लेपन कर लेती हूँ फिर इकट्ठे प्रसाद पाएंगे हरि नाम भजन करेंगे। हिम्मत दास जी चले गए। अब वो जो बैठे हैं वो कैसे शांत बैठ सकते हैं। किशोरी जी से बात कर रहे हैं अरे आज तो हद ही हो गई। बोले क्या होगा मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है क्या हुआ आज मेरे भक्त ने मेरे संतों की खातिर हिम्मत दास जी की पत्नी को अपनी नथ गिरवी रखनी पड़ी वो भी सुहाग की निशानी में। मैं यहाँ आराम से बैठा शर्म आ रही है मुझ पर। किशोरी जी कहने लगी अब क्या करोगे। बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा नथ छुड़ानी है जाकर योजना बनाई गई। बोले लेकिन अगर मैं साक्षात चला जाऊंगा तो ये वैसे ही नहीं पीछा छोड़ेंगे। ठाकुर जी ने योजना बनाई बोले अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आए हैं मृत्यु लोक में धरती पर आज उन्होंने फिर से रूप धारण किया है उसी हिम्मत दास जी का। अब नकली हिम्मत दास जी धरती पर आ गए। अब हिम्मत दास जी का रूप तो बना लिया बोले अब मैं वैसे भाव कहां से लाऊं ये सब तो मुझे पहचान लेंगे। अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन गांव वालों को सबको विश्वास हो जाए कि मैं ही हिम्मत दास हूं। करे क्या बोले वो मेरा भक्त है ना वो एक कीर्तन करता है मेरे नाम का चलो उसी कीर्तन के साथ शुरुआत करते हैं। अब नकली हिम्मत दास जी धरती पर आए हैं और कीर्तन कर रहे हैं हर शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी शाम मेरो चंदा चकोरी
मोबाइल नहीं निकलने चाहिए, सदुपयोग करो। चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रंग भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी रंग भोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो ठाकुर जी, जब वो हरि नाम कर रहे हो तो कैसा जादू चला होगा वहां पर। जब उन्होंने एक बार बांसुरी बजाई थी, गजब की बांसुरी बजती है बंसीधर बजैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, जहां ना काम चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। अब जितने गांव वाले हैं सब अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आज वही माहौल बन गया जैसे कि शाम की बांसुरी बजी हो और गोपियां जिस भी हालत में थी दौड़ी चली आई। आज गांव वाले लोग भी सोचने लगे आज हिम्मत दास जी की जो आवाज आ रही है, सुनते तो रोज ही लेकिन आज इनकी आवाज में कुछ अलग बात है। ऐसा लग रहा है ये आवाज अपनी ओर खींच रही है, हमें ये बार बार हमें बुला रही है, लेकिन मेरे ठाकुर जी मीठा मीठा गुनगुना रहे हैं। हर शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। आप भी ऐसा अनुभव करो, पता नहीं आपको किसको महसूस हो जाए कि अभी तुम्हारे आगे से सर करके निकल गए। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। एक एक करके गांव वाले आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब आगे नकली हिम्मत दास जी गा रहे, पीछे गांव वाले गा रहे। जिस जिस गली से गुजर लिए काफिला तैयार हो गया, आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे लोग। अब इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को, बोले वो मेरा एक नाम भी लेता है, हर वक्त लेता रहता है, जरा मैं भी लेके देखूं कि नाम लेने में कितना आनंद मिलता है। मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम ओ मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम हाँ मेरे शाम मेरे जी की आंखें बंद है, वो डरे हुए हैं कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। आंखें बंद की और जोर जोर से नाम ले रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं अरे ये नाम लेने में कितना आनंद आ रहा है। आज मुझे पता चला कि मेरे भक्त मेरे नाम पे नाचते क्यों हैं, मेरे भक्त मेरे नाम पे झूमते क्यों हैं, अरे मेरे नाम में मस्ती ही इतनी है। ठाकुर जी स्वयं अपना नाम लेके नाचने लगे। ओ मेरे Yeah.
नाटक नहीं कहीं धरा रह जाए। जो जो नहीं बोल रहे ना ये उनका दुर्भाग्य है, सत्संग में आ गए ये हमारा पुण्य कर्म है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे पाप हावी है हम पर, हमारा दुर्भाग्य हावी है हम पर कि यहाँ पर बैठकर भी हम तमाशा देख रहे हैं और शाम का नाम नहीं ले पा रहे। अगर अपना सौभाग्य जागृत करना चाहते हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो मेरे शाम। इतनी जल्दी और उधार लेने, फिर आवाज लगाई परमेश्वरी जल्दी आ। परमेश्वरी बारह बोले अब क्या चाहिए, निकलो यहां से, अब नहीं दूंगा मैं। बोले मैं उधार लेने नहीं आया, मैं तो वो नथ छुड़वाने आया हूं। परमेश्वरी देख रहा है नथ छुड़वाने, इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया। बोले ज्यादा बात नहीं कर, जो काम का है उसको कर, मुझे बहुत जल्दी है। ठाकुर जी बेचारे पसीने छूट रहे हैं क्योंकि असली हिम्मतदास जी आने वाले हैं, कितनी देर स्नान कर लेंगे। कहने लगे जल्दी से नथ। बोले बताओ तो सही इतना पैसा, अरे दे दिया कोई सेठ आया था उसने दे दिया, तो जल्दी नथ ले गया, वो नथ ले गया। बोले रसीद, बोले तेरे पास है ना उसकी जो दूसरी कापी रखी है वो ले गया। बोले क्या आया, पेन दिया कलम दी, बोले लो अब इस पे हस्ताक्षर कर दो ताकि सबूत हो कि तुम नथ छुड़ा कर ले गए। अब ठाकुर जी ने कलम पकड़ी, जैसे ही हस्ताक्षर करने लगे याद आ गया, अरे अरे क्या करने लगा था, भी पकड़ा जाता मैं। हिम्मतदास तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो तो अंगूठा छाप है। कहने लगे परमेश्वरी, परमेश्वरी भी देख रहा है कुछ अलग सा ही है। बोले तेरी कलम क्यों दी, आपने कही तो दी ये कलम पकड़, तुझे पता है मैं पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा लगा। अब त्रिलोकी की सरकार का अंगूठा जब परमेश्वरी के हाथ में आया होगा तो क्या दृश्य होगा, मानो एक पूरे शरीर में करंट सा लग गया, रोमांच। अंगूठा छूते ही ठाकुर जी का, परमेश्वरी की आंखों से आंसू बहने लगे, पता नहीं क्या हुआ, रोने लगा। ठाकुर जी अंगूठा लगा रहे हैं, साथ साथ गा रहे हैं मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। आज परमेश्वरी की मांग क्या है, एक काम करोगे, पता नहीं आज तुम्हारे स्पर्श में क्या बात है, मेरा मन कर रहा है कि जो तुम भजन करते हो मुझे भी सिखा दो। मैंने आज तक कभी प्रभु की शरण में नहीं गया, मैं विश्वास नहीं करता, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उसका नाम संकीर्तन। ठाकुर जी कहने लगे अच्छा चल एक बार मैं बोलता हूँ एक बार तू बोल। मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम बैठ गया अपने भजन कीर्तन में। ठाकुर जी गए, हिम्मतदास जी का दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाने ही लगे थे अंदर से मालती बोल रही है
और बाहर से ठाकुर जी बोल रहे हैं। एक बार मालती, एक बार ठाकुर जी, यही आवाज आ रही है। ओ मेरे शाह, बजाया मालती, मालती ने दरवाजा खोला, आ गए इतनी जल्दी। आपको तो भी और समय लगना था। बोले नहीं नहीं, मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ, फिर जाऊंगा। बोले क्या बात है, इतनी जल्दी किस बात की? बोले कुछ नहीं, किवाड़ दरवाजे से अंदर गए। कहने लगे मालती ये देख, ये पड़ी है तेरी नथ। मालती कह रही है हो क्या रहा है, किस बात की जल्दी? नथ नथ कहाँ से आई, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से है? बोले परमेश्वरी से छुड़ा के लाया, इतने पैसे कहाँ से आए? बोले मिल गया था, कोई भक्त मिल गया था, उसने पैसे दे दिए। नथ पकड़, नथ पकड़। कहने लगी सरकार, मालती चौका लेपन कर रही थी, हाथ पूरे मिट्टी से सने थे। कहने लगी ये नथ पकड़। बोले मैं कैसे पकड़ सकती हूँ, मेरे हाथ में तो मिट्टी लगी है, मैं तो चौका लेपन कर रही थी। बोले मैं वहां रख देता हूँ। वहां क्यों रख दोगे, छोटी सी चीज है, अभी काम आई है, आगे भी आ जाएगी, कहीं खो गई तो क्या करूं? बोले करना क्या है, मेरे नाक में। ठाकुर जी बच रहे हैं, पर स्त्री को कैसे छू सकता हूँ मैं, तो नकली हिम्मत दास हूँ। नहीं सरकार, आपको पहनाना पड़ेगा, मैं वहां रख देता हूँ। नहीं नहीं, खो जाएगी। बोले अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लगता, लोग कोई देखेगा बुढ़ापे में हिम्मत दास को क्या हो गया ये? बोले पति हो मेरे, पत्नी हूँ मैं आपकी, नथ ही तो पहनानी है, पहना दो ना। बड़े बहाने लेकिन नहीं मानी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा।